you're watching Exposed India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। जम्मू कश्मीर का नाम जब भी जुबान पर आता है तो बात होती है आर्टिकल 370 की, और इसको हटाने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बीजेपी हमेशा से ही आर्टिकल 370 के खिलाफ रही है और बीजेपी ने इसे हटाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में भी किया है। मोदी की कैबिनेट 2.0 में नंबर 2 की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। इस जिम्मेदारी के साथ उनकी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। बात करें विपक्ष की, तो जब से अमित शाह ने कार्यभार संभाला है तब से विपक्ष में खलबली मच गई है और 370 को लेकर बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसको जो है 35 ईयर समाप्त। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता करेंगे भी नहीं, होने देंगे भी नहीं। कब तक ये लोग हिंदुस्तान के अवाम को धोखा देते रहेंगे 370 के नाम पर? एक बात साफ करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वो कभी भी, अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। तीन तीन पीढ़ी पार से यहाँ पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर नहीं मारा करते मोदी जी, पहले अपने गिरेबा में झांकिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर के साथ खिलवाड़ और समझौता अगर किसी ने किया और जम्मू कश्मीर में मौजूदा हिंसा के लिए अगर कोई जिम्मेवार है जम्मू कश्मीर की स्थिति से खिलवाड़ के लिए, तो वो एक व्यक्ति है, उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवाड़ा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूँ, नहीं हटाऊंगा। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ मत खेलिए। 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया, इसके नतायज इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। 370 को कैसे खत्म करूं? अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद के घर रहेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, अमित शाह आजाद हो जाए। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अमित शाह उन मामलों को भी सुलझा लेंगे जो कि कई दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बने हुए हैं। मोदी सरकार का विजन एकदम साफ और क्लियर है, इसका अंदाजा आप उनकी कार्यशैली और प्रचंड बहुमत से जीत के बाद सत्ता में वापसी से लगा सकते हैं। जब से सरकार एक्शन मोड में आई है तब से धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार आग के साथ खेल रही है, कश्मीर जल उठेगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हिंसा होगी, और इसी तरह की बयानबाजियों की पूरी एक फेयर लिस्ट तैयार की जा चुकी है। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा। जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया, इसके नतायज इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब भारत के साथ सभी राज्यों को आजादी मिल गई, लेकिन राजा हरि सिंह अपनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसके बाद 20 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर सेना ने पाक सेना के साथ मिलकर
कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला और नेहरू के साथ मिलकर भारत में अस्थायी विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद से आता है आर्टिकल 370 का पेज, जिसे हम और आप लगातार सुनते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया के साथ। इसके तहत महाराजा हरि सिंह ने अपनी सहमति से सिर्फ 3 विषयों को भारत को सौंप दिया। इसमें आता है रक्षा, विदेश मामले, दूरसंचार। इन 3 विषयों को छोड़कर कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति लेनी होगी। इन्हीं शर्तों के साथ आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया और 17 नवंबर 1952 को लागू भी कर दिया गया। इसी आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और अनुमति न मिलने पर ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। अगर बात 370 की हुई है तो 35A की बात करना भी जरूरी है। तो आइए फौरी तौर पर 35A पर भी नजर डाल लेते हैं कि 35A आखिर है क्या। 35A वो ताकत है जिससे जम्मू कश्मीर को अधिकार मिलता है कि वो वहाँ के लोगों के विशेष अधिकारों को अपने हिसाब से निर्धारित और निर्देशित कर सकती है। 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार देता है कि वो अपना झंडा रख सकते हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ के लोगों को भारत और जम्मू कश्मीर 2 प्रकार की नागरिकता भी मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए जो कि काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण हैं। आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर भारत में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जाता है तो वो जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होता है। संविधान में किया गया कोई भी संशोधन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति द्वारा उसे आदेशित या निर्देशित नहीं किया जाए। यानी कि तस्वीर एकदम साफ है, अगर कश्मीरी महिला से कोई पाकिस्तानी शादी करता है तो उसे कश्मीरी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन भारतीय से शादी करने पर वही नागरिकता छिन जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, हद तो तब हो जाती है जब राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसी अनुच्छेद से अलगाववादियों की दुकानें चलती हैं, वहाँ की पार्टियाँ केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करती हैं, और तो और पत्थरबाजों के पत्थर खाती सेना कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह की दोहरी व्यवस्था से कब मिलेगा छुटकारा। आखिर कब तक अलगाववादियों की दुकान इसी तरह चलती रहेगी? इस अस्थायी व्यवस्था को आखिर क्यों अब तक खत्म नहीं किया गया? इन्हीं सब सवालों के साथ मैं प्रियंका अस्थाना आपसे इजाजत लेती हूँ। बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर।